नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जम्मू कश्मीर में 2001 में एयरबेस पर एक आतंकी हमला हुआ था, ये बात आपको याद ही होगी। उसी के बाद वायुसेना ये महसूस करने लगी कि अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए उसे स्पेशल फोर्स चाहिए, और उसी को साकार करते हुए एयरफोर्स ने गरुड़ कमांडो की रचना की और इसकी स्थापना साल 2004 में हुई, जिसका सिर्फ एक ही काम है, अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए काम करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर ही होती है। इन्हें एयरबॉर्न ऑपरेशंस, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेंड किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो मुश्किल हालात में न केवल जमीन, आसमान और पानी में भी किसी भी ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, बल्कि दुश्मन को घर में घुसकर मार भी सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि आर्मी और नेवी से अलग गरुड़ कमांडोज वॉलंटियर नहीं होते हैं, उन्हें सीधे स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए भर्ती किया जाता है, और एक बार फोर्स ज्वाइन करने के बाद कमांडो अपने पूरे करियर के लिए यूनिट के साथ रहते हैं। इस वजह से यूनिट के पास लंबे समय के लिए बेस्ट सोल्जर रहते हैं। गरुड़ कमांडोज को लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है। कमांडो ट्रेनिंग में इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ और घने जंगलों में रात गुजारनी पड़ती है। खतरनाक हथियारों से लैस इंडियन एयरफोर्स के खूंखार गरुड़ कमांडो दुश्मन को खत्म करके ही सांस लेते हैं। जब कोई सिलेक्ट हो जाता है तो शुरुआती 3 महीनों के प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगले दौर की ट्रेनिंग के लिए बेस्ट जवानों की छटनी होती है। अगले फेज की ट्रेनिंग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ दी जाती है। जो इस फेज में सफल होते हैं वही अगले दौर की ट्रेनिंग में जाते हैं। इतनी सख्त ट्रेनिंग में सफल रहने वाले जवानों को फिर आगरा के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल भेजा जाता है। मार्कोस और पैरा कमांडोज की तरह गरुड़ कमांडोज भी सीने पर पैरा बैज लगाते हैं। गरुड़ कमांडोज को मिजोरम में काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में भी ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय सेना का ये संस्थान अपारंपरिक युद्ध में विशेषज्ञता प्रदान करने वाला प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ पर एक बड़ी जानकारी आपको देते चलें कि इस संस्थान में न केवल गरुड़ कमांडो बल्कि दुनिया भर की सेनाओं के सिपाही काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। इसके अलावा गरुड़ कमांडोज को हर तरह से युद्ध के लिए तैयार करने के लिए ट्रेनिंग के अंतिम दौर में इन्हें फर्स्ट हैंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के लिए भी अटैच किया जाता है, जहां वो अन्य बारीकियों को सीखते हैं। भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो को दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक हथियारों से लैस किया गया है। इनके पास जहां साइड आर्म्स के तौर पर टेवर TAR-21 असॉल्ट राइफल होता है, तो वहीं ग्लॉक 17 और 19 पिस्टल्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए हेकलर एंड कॉच MP5 सब मशीन गन, AKM असॉल्ट राइफल, AK-47 और शक्तिशाली कोल्ट M4 कार्बाइन भी इन्हें दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे गरुड़ कमांडो आसमान की सेवा करते हैं और कैसे इन्हें खतरनाक माना जाता है।